40 वर्षीय बिजनेसमैन की हथेली है और इसका परीक्षण आज हम करेंगे। बहुत अच्छा हाथ है। एक व्यापारी के हाथ में जो गुण होने चाहिए वो सभी इसमें विद्यमान हैं। सबसे पहले तो इनका चंद्रमा और शुक्र बहुत अच्छा बना हुआ है, तो ये काला निदान हाथ हो जाता है। उसी प्रकार नीले कलर में आप देख रहे हैं इनकी एक लक लाइन है जो शनि पर्वत तक बहुत अच्छी तरीके से पहुंच रही है, और एक ऑफशूट भी है जो गुरु पर्वत की ओर जा रहा है लक लाइन से निकल कर। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं गुलाबी कलर की, ये राहु की रेखा है जो बुध के पर्वत तक पूरी तरह पहुंच रही है। बोलने की शक्ति बहुत अच्छी मिलेगी इनको, और बोलने की क्षमता से ये धन भी कमाएंगे। दो बिजनेस की रेखा अच्छी बनी हुई है हाथ में। आइए इसका एक हम सामान्य विवरण करते हैं। सबसे पहले गुरु का पर्वत हम देखते हैं, तो गुरु का पर्वत एक औसत अवस्था से बहुत अच्छी अवस्था में है, उठा हुआ है। इस पे कुछ नकारात्मक लाइनें भी हैं मंगल की जो शनि पर्वत तक पहुंच रही है। मैं थोड़ा सा इसको फोकस करके दिखाता हूं। ये वाली लाइन, ये थोड़ी सी डेंजरस लाइन होती है, डबल डबल लाइन है, गृहस्थी में आग लगाने का ये काम भी करती हैं। गुरु का पर्वत औसत से बहुत अच्छा है, और देखिए यहाँ पर ग्रोथ की लाइन भी बहुत अच्छी बनी हुई है। इस लाइन का जो ये जो नकारात्मक लाइन है मंगल से निकली हुई है, इसका उपाय करना पड़ेगा। शनि पर्वत को देखते हैं तो उंगली अच्छी है। इनके दूसरे पोर्वे पे एक आइलैंड का निशान बन रहा है जो थोड़ा सा नकारात्मक है। शनि का अगर पर्वत नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो शनि का पर्वत देखिए स्पष्ट अवस्था में बना है, सपाट बना हुआ है, और ये इनकी जो लक लाइन है इस तरीके से बनी हुई है। दो लक लाइन है, और अब एक रेखा जो वक्री होके, ये जो वक्री रेखा है शनि की, ये वक्री कर दिया है शनि को, और इनको यहीं पे फाइनेंस की प्रॉब्लम है, और ये फाइनेंस की प्रॉब्लम अभी बनी रहेगी। इस काली रेखा ने शनि पर्वत को वक्री करते हुए लक लाइन को भी नीचे तक थोड़ा डैमेज कर दिया है। लक लाइन भी यहाँ पे काली पड़ गई है, और यहाँ से नीचे से ये लाइन खुल रही है, तो लक में बहुत दिक्कत है। जो धन की रेखा है उसमें अभी बहुत दिक्कत है, वक्री हो गए हैं शनि। सूर्य का पर्वत यदि हम देखें तो सूर्य का पर्वत भी एक औसत अवस्था में है, बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। ये एक लाइन बनी है, सूर्य की रेखा है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक राहु की रेखा आगे बढ़कर सूर्य लाइन को डैमेज कर दिया है, तो सूर्य यहाँ पर ग्रहण की अवस्था में आ गए हैं। और यहाँ पर भी देखिए ये जो डबल लाइन बनी हुई है, यव बना हुआ है आइलैंड, ये भी सूर्य को बता रहा है कि सूर्य नकारात्मक हो गए हैं। पिता से मतभेद और घर में अपमान, ये जरूर होता है इस प्रकार का अगर सूर्य हो जाए तो। बुध का पर्वत अगर हम देखते हैं तो बुध का पर्वत इनका छोटा बना हुआ है, लेकिन बिजनेस की लाइनें बहुत अच्छी बनी हुई हैं इसके ऊपर। बुध का पर्वत यहाँ से छोटा है, इस एरिया से छोटा है, और ये उंगली भी थोड़ी सी छोटी है। इनको थोड़ा सा नाखून बढ़ा लेना चाहिए ताकि ये सूर्य उंगली के प्रथम पूर्वे तक नाखून आ जाए, तो इससे भी धन की समस्या बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है। ये एक बहुत अच्छा ज्योतिष उपाय भी है। मैरिज की लाइन अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये भी डबल हो गई है, और मैरिज में यहाँ पर भी दिक्कत दिख रही है क्योंकि यहाँ पर भी मंगल की लाइनों ने शनि पर्वत पर पहुँच कर डिस्टर्ब किया है। ये जो लाइनें इधर भी दिखा रही है गृहस्थी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और इधर भी गृहस्थी की प्रॉब्लम दिखा रही है, मैरिज हाउस में भाव में कमी दिखा रही है। जो आउटर मंगल है वो शानदार बना हुआ है, एक सपाट अवस्था में है, औसत हम कह सकते हैं, और इस पर कुछ अच्छे साइन बने थे लेकिन अब वो मिट गए हैं। अगर इस प्रकार का ब्लॉक बनता है आउटर मंगल पर तो व्यक्ति का पदार्पण बहुत अच्छा होता है सामाजिक, और व्यक्ति की मित्रता, व्यक्ति का उठना बैठना, जिंदा दिली बातें करने, और उनकी जो बातें मुलाकातें लोग याद रखते हैं, तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। चंद्रमा एक अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा ढीला हो गया है, और जब भी चंद्रमा नीचे के भाव से ढीला होता है तो हमें बॉडी में फैट्स की प्रॉब्लम होती ही होती है। एक बहुत अच्छी लाइन बनी थी यहाँ पर विदेशों से धन वाली, लेकिन यहाँ पे वो काली हो गई है, वो योग ख़त्म हो गए हैं क्योंकि एक वक्री रेखा ने उसे यहाँ से काट दिया है। तो यहाँ पे चंद्रमा भी थोड़ा सा ग्रहण की स्थिति में आ गए हैं।
केतु का पर्वत साधारण बना हुआ है, लेकिन इस पर कोई नकारात्मक चिन्ह नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि ये पर्वत उठा हुआ है। तो केतु का जब भी पर्वत उठा हुआ होता है, और लक लाइन भी यहीं से निकली है केतु के पर्वत से, तो अगर ऐसा योग बना होता है तो व्यक्ति योग और भोग दोनों प्राप्त करता है, और केतु देव नायाब चीज़ें उस व्यक्ति को, जातक को प्रदान करते हैं। जो प्रथम इनका मणिबंध है वो डिस्टर्ब है, देखिए यहाँ से खुल गया है, यहाँ से खुल गया है, यहाँ से खुल गया है। तो मणिबंध जो होता है, ये हमारी पहला मणिबंध जो होता है, वो हमारी जीवन की पूरे हमारे जीवन को हम किस प्रकार जिएंगे, अच्छे से जिएंगे, और क्या योग और भोग मिलेगा हमें, वो भी बताता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, और यही हमें फाइनेंस, हमें शनि पर्वत पर भी यही दिक्कत दिख रही है। नीचे की अगर लाइन देखते हैं, जो सुख की रेखा है, वो भी यहाँ पे खुली हुई है। तो यहाँ पे सुख में अभी कमी है, माफ़ कीजिए, ये रेखा धन की रेखा होती है। सुख की जो तीसरी रेखा है वो दृष्टिगत नहीं हो रही है, बाकी जो धन है अभी उसमें यहाँ पे फंसा हुआ धन दिख रहा है। अब इसका जो मेन जो कारण है वो अभी हम और जान लेते हैं कि क्यों इनको फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है। जबकि शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा बना हुआ है, इस पे ब्लॉक्स बने हुए, चिंता की रेखाएँ तैर रही हैं, और ये जो इनकी कम्फर्ट लाइन है, ये वाली, ये वाई के रूप में हो गई है। तो अभी जीवन में कंफर्ट नहीं है, ये वाली लाइन जो है काली पड़ गई है, इसको थोड़ा सा ठीक करना है। मंगल बहुत अच्छे बने हुए हैं, पावर लाइंस भी बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन ये वाली रेखा जो है ये गड़बड़ कर रही है, ये गृहस्थी में आग लगाने का काम कर रही है। बिजनेस की रेखा यदि हम देखते हैं तो इस जातक के पास में दो दो बिजनेस की रेखा है, और बहुत अच्छी बुध पर्वत पर पहुँच रही है। इस बिजनेस रेखा में एक बहुत अच्छी विशिष्टता है कि नीचे से ये मोटी है और ऊपर से पतली है, और ऐसी रेखा बहुत धन देती है। मैं इस राहु की रेखा का तो बोल ही चुका हूँ कि बुध पर्वत पर पहुँच गई है, तो वाणी की क्षमता इनको बहुत अच्छी मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पर आप देखिए, एक राहु की रेखा और सूर्य पर्वत को भी ग्रहण लगा रही है, एक ये रेखा और एक ये शनि की वक्री रेखा, ये दोनों रेखा खतरनाक है। इस पूरे हाथ में दो ही रेखा जो सूर्य पर्वत पर पहुँच रही है, राहु की रेखा और जो शनि वक्री हो गए हैं, इस पे दो उपाय इनको करना है, और अगर ये उपाय कर लेंगे तो इनको 3 से 4 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मनी का ट्रायंगल अच्छा बना हुआ है, और एक नहीं दो दो बने हुए हैं, तो धन तो आएगा इनके पास में। केतु भी यही बता रहे हैं कि धन तो वो देंगे, शुक्र का पर्वत भी बता रहा है उठा हुआ कि धन तो मिलेगा। शुक्र का पर्वत यहाँ से दब गए हैं देखिए, और जब यहाँ से दब जाते हैं तो गृहस्थी को लेके प्रॉब्लम होती है, हमारी जो सेक्स लाइफ है, मैरिज लाइफ है, उसमें हमें प्रॉब्लम है। जो जीवन की रेखा निकली हुई है, एक बार मैं फिर से एक नई पिक्चर ले लेता हूँ, तो उससे आपको काफ़ी बेहतर समझ में आएगा। जीवन की रेखा जो निकली है और जो माइंड लाइन की रेखा, दोनों एक दूसरे से मिलकर निकली हुई है, ये बता रही है कि यहाँ पर इनके बचपन में इनको बहुत सारी चीज़ों की कमी का सामना भी करना पड़ा है। करीब ये 26 के आसपास जाकर एक ऑफशूट जो है वो बनाया है बाहर की तरफ जीवन रेखा ने, तो इनको 26-27 के आसपास इनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन इंगित कर रहा है, और एक परिवर्तन अभी और होना है जो करीब 55 साल के आसपास होगा, और ये वाला जो परिवर्तन है ये बहुत अच्छा होगा इनके जीवन के लिए। यहाँ पर भी जीवन को एक अच्छा परिवर्तन मिला है, मनी ट्रायंगल इनका अच्छा बना हुआ है, माइंड की लाइन थोड़ा सा झुक रही है, तो जब भी माइंड की लाइन झुक जाती है कल्पनाशीलता बहुत बढ़ा देती है। विष्णु सिंबल भी यहाँ पे बना हुआ है, हार्ट लाइन बहुत अच्छी बनी हुई है, इसमें ऐसा कोई नकारात्मक चीज़ें नहीं देखने को आ रही है, और विष्णु सिंबल भी खड़ा है अच्छी तरह। और विष्णु सिंबल अगर शनि पर्वत पर बना है तो इसका मतलब है कि ऐसे जातक बहुत धन कमाएंगे, और ऐसे लोगों का जन्म या ऐसे लोग जीवन में धन कमाने के लिए ही आते हैं। मित्रों, इनको दो उपाय हैं जो मैं इनको व्हाट्सअप कर रहा हूं, और आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। श्री गणेशाय नमः, माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।